आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक शिक्षक समाज को नई दिशा प्रदान करता है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभिभावकों के नाम कुछ बातें हैं जिन्हें मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको पसंद आएंगी, और यदि आपको ये बातें पसंद आईं तो आप इन्हें अवश्य ही आगे बढ़ाएं। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्लाकर उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को झिड़क देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप गुरुर ब्रह्मा टाइप की बातें रटते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए, शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह शिक्षक सिर्फ एक वेतन भोगी ही नहीं होता, इसमें सिर्फ सेवा का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि छात्र शिक्षक के बीच तमाम मानवीय मूल्यों का भी आदान प्रदान होता है। आप अपने छोटे मोटे काम कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों के आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन शिक्षक जो कि आपकी संतान को शिक्षा दे रहा है, उसकी एक गलती आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज 3 या 4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3+1 और 1+3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। अगर वास्तव में बात समझ में आ गई हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हर शिक्षक को भगवान ना सही, कम से कम इंसान समझकर उतना सम्मान अवश्य दें जो कि एक इंसान को मिलना चाहिए। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी सम्मानित अभिभावकों को चिंतन करने हेतु प्रेषित है ये बात। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।